हेलो फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये देखेंगे कि फायर प्लेस है उसका किस प्रकार से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे फायर प्लेस के लिए यहाँ पे प्लाईवुड में पूरा बॉक्स बनाया गया और सामने की साइड में यहाँ पे टिक वुड का ग्रूव बना गया। इस प्रकार से यहाँ पे रूटर द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको ब्रिक्स का भी दिखा दूँगा किस प्रकार से किया गया है और यहाँ पर अंदर की साइड में कर्व दिया गया है। इस प्रकार से राउंड शेप में बनाया गया है। इसको आगे चल के आपको ब्रिक्स का भी दिखा देंगे किस प्रकार से फिटिंग किया गया है और किस प्रकार से इसके सामने की साइड में डिज़ाइन बनाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये जो फायर प्लेस है उसका जो साइज़ है ऐसे में 4 फीट है और हाइट में है 3.5 फीट के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिलर है वो यहाँ पर सामने की साइड में वुड में बनाए गए हैं। 5-5 इंच में पिलर है जो कि फिटिंग का इसका आगे चल के वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे जैसा सामने देख रहे हो, इसमें जो वुड है पूरा टिक वुड लगाया गया है। सामने की साइड में वीनियर लगाया गया और आगे की साइड में जो पूरी थामली बनाई गई है वो पूरा टिक वुड में लगाया गया और यहाँ पे डिप्थ है 8 इंच के हिसाब से यहाँ पे डिप्थ रखा गया है। दोस्तों, यदि आपको लिविंग रूम के लिए बनवाना रहता है तो आप इस प्रकार की डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे ऊपर की साइड में था, यहाँ पर लग के तैयार हो गया और सामने की साइड में यहाँ पर टिक वुड लगाया गया। टिक वुड में यहाँ पर अंदर की साइड में पूरा डीप करके यहाँ पे कणी गोला वाला डिज़ाइन बनाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अंदर की साइड में इस प्रकार से फिक्सिंग है करते जाएंगे और इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें राउंड शेप में बनाया गया है, ओवल शेप में बनाया गया है। ऊपर की साइड में यहाँ पे तख्ती दिया गया है और तख्ती है कणी गोले के साथ में तख्ती बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से यदि घर के लिए बनाना रहता है तो आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। यहाँ पे नीचे की साइड में है फिक्स दिया गया, आप देख सकते हो नीचे की साइड में इस कटिंग के हिसाब से यहाँ पर फिक्सिंग दिया गया और ऊपर की साइड में है ये पट्टा, यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। नीचे का अलग दिया गया, उसका कारण मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि नीचे की साइड में इस कटिंग का पूरा कणी गोला वाला इस कटिंग घुमाया गया है और यहाँ पे है इस प्रकार से जॉइंट है। जॉइंट के हिसाब से आप बना सकते हो, यदि नीचे का पार्ट अलग देना हो तो अलग के हिसाब से भी बना सकते हो और यदि पूरा लंबा लेना रहता है तो लंबे के हिसाब से भी आप बना सकते हो। और ये जस्ट पिलर है और पिलर के जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पर मोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे सामने देख रहे हो, यहाँ पर ये जो वुड है उसका जो साइज़ है 1.25 इंच बाई 5 इंच का रखा गया है और ऐसे में लंबाई है 27 इंच के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और इस प्रकार से है किल्ली है, किल्ली में अपनी फिक्सिंग करते जाएंगे। दोस्तों, यदि इस प्रकार से यदि फिक्सिंग वाला आ जाता है टिक वुड तो आप किल्ली का यूज़ कर ले, क्योंकि स्क्रू में है, स्क्रू में खड्ढे पड़ जाते हैं और फिर आगे की साइड में उसको भरना रहता है तो पॉलिश में प्रॉपर से मैच नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से यदि पूरी दो का किल्ली रहता है तो पूरी दो के किल्ली के हिसाब से यहाँ पे फिक्सिंग करते जाएंगे। और ये जो फायर प्लेस है उसका स्ट्रक्चर है पूरा प्लाईवुड में तैयार किया गया है और अंदर का जो भाग है पूरा MDF कलर के साथ में यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर जो राउंड शेप में बनाया गया है फायर प्लेस का, वो पूरा कलर के साथ में फिनिशिंग दिया गया है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो टिक वुड का यूज हुआ, सूडान वाला टिक वुड लगाया गया है और ऊपर की साइड में ये तख्ती है, जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पे तख्ती बैठाया गया है। और इसमें यहाँ पे तख्ती है, तख्ती के जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पे कानस भी बैठाया गया है, उसका भी आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे फिक्सिंग करना रहता है। दोस्तों, यदि आपको फार्म हाउस के लिए, घर के लिए, लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए बनवाना रहता है तो आप इस प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हो शो के लिए। और यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो, यहाँ पे तख्ती है, तख्ती का साइज़ है 1.25 बाई 1.25 के हिसाब से रखा गया है और जस्ट सेंटर में यहाँ पे तख्ती रखा गया और साइड में कणी गोले वाला यहाँ पे बिट से पूरा चौरस बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थिकनेस है, थिकनेस भी 1.25 इंच के हिसाब से रखा गया और इसका जो जॉइंट है, जॉइंट के हिसाब से यहाँ पे जो मोल्डिंग पट्टी है, मोल्डिंग पट्टी यहाँ पर लगाया गया है। और तख्ती है, तख्ती का भी इसी प्रकार से यहाँ पर फिटिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। और ये जो पूरा फायर प्लेस है उसमें ऊपर की साइड में स्टोन के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे तख्ती था, यहाँ पे प्रॉपर से लग के रेडी हो गया और सेंटर में है यहाँ पे कणी गोला वाला रखा गया है, इस जिसका जो हाइट है 6 इंची है जैसे ये, और ऐसे में जो मोटाई है 19 mm के हिसाब से रखा गया है कणी गोला वाला। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगती है इस प्रकार से।
और यदि आपके पास यदि पूरा लंबा यदि लकड़ा रहता है तो लंबे लकड़ी में भी आसानी से लगा सकते हो या निकलवा सकते हो। ये जो वर्क है अंदर का बाहर से करवाया गया है, आप देख सकते हो कणी गोला वाला अंदर से, और अंदर की साइड में जो ओवल शेप में बनाया गया है ये भी पूरा बाहर से बनवा के तैयार किया गया है। और यदि आपका लिविंग रूम रहता है, छोटा रहता है, तो छोटे के हिसाब से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। यदि मोटा रहता है तो उसकी हाइट के हिसाब से भी आप आसानी से बना सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में यदि लेवल कम या ज़्यादा रहता है तो उसके उस प्रकार से यहाँ पे लेवलिंग है पूरा करते जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में ही कर दीजिए लाइक, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो पूरा तख्ती था, तख्ती भी लग के रेडी हो गया, और यहाँ पे रूटर द्वारा गोला बनाया गया, कणी गोला वाला भी यहाँ पे फिटिंग कर दिया गया। अभी नीचे की साइड में यहाँ पे इस कटिंग है कणी गोले वाला, वो भी इसी प्रकार से यहाँ पे फिटिंग है, वो आगे चल के वीडियो में देख लेंगे। और इसमें आपको ब्रिक्स का भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से ब्रिक्स का फिटिंग रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा ब्रिक्स का फिटिंग किया जा रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का जो पूरा है कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे कानस लगाना रहता है। तो यहाँ पे जो कानस है, कानस का साइज़ है 4x1 के हिसाब से रखा गया है। और ऊपर की साइड में यहाँ पे जो प्लाईवुड है गुनी समय, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कानस है, कानस का डिज़ाइन देख सकते हो। यदि वो चौरस नहीं लेके आप क्रॉस में यदि पट्टा बनाना रहता है तो पट्टे के हिसाब से आप आसानी से लगवा सकते हो। और ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रिक्स का काम था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे कानस जो रहता है इस प्रकार से यहाँ पे पाटिया था, यहाँ पे बाहर निकाल के यहाँ पे मिलाना रहता है। और यहाँ पे साइड में वीनियर के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पर कानस था, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। और आगे की साइड में भी इसी प्रकार से कानस है, कानस को घुमाना रहता है। यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे 3 स्टेप के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कानस। तो आप देख सकते हो नीचे की साइड में यहाँ पे जो मोल्डिंग है, मोल्डिंग 4 स्टेप के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो। दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि काफ़ी बार यदि अपने चौरस लकड़े में यदि मोटा कानस यदि बनवाते हैं तो उसमें लकड़ा भी वेस्ट ज़्यादा चला जाता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। और इस प्रकार से यदि कानस जो रहता है पतला, यदि 4x1 अथवा 4x1.5 का यदि रहता है तो आप आसानी से फिटिंग कर सकते हो। ये जो कानस है आप कार्विंग वाले के वहाँ से भी निकलवा सकते हो। इसका जो कॉस्ट जो रहता है वो अलग से देना रहता है पार्टी को। यदि आप कानस लगवाना यदि करना रहता है तो इसका जो वर्क है बाहर से किया जाता है, यदि यहाँ पे नक्शी का वर्क नहीं होता है तो। जैसा यहाँ पे कानस था, यहाँ पे आगे की साइड में कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर क्रॉस में बिठाया जाता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, यहाँ पे सवा बाई सवा का स्टेप रखा गया है, उसके हिसाब से यहाँ पे कानस है, कानस को बिठाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे आपका फायर प्लेस था पूरा कंप्लीट हो गया है, और ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी लगाया गया है, और चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर घुमाया गया है मोल्डिंग के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगता हो, आप घर के लिए, लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए आप आसानी से इस प्रकार से आप बना सकते हो। ब्रिक्स है ब्रिक्स, पूरा नेचुरल वाला यहाँ पे लुक नज़र आता है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कानस था, कानस पे लग के रेडी हो गया है, और अंदर की साइड में यहाँ पे गोलिया था, गोलिया पे लग के रेडी हो गया है। सो थैंक यू, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।